हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस दौरान आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, उसके लिए हम आप लोगों को कक्षा 12 की अंग्रेजी विषय के पोएट्री का पहला लेसन आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका नाम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है। चलिए हम लोग इसका अध्ययन शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार आर टाट दैट सर नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। इस पोयम में हेनरी ओटन ने हमें बताया है कि हम किस तरीके से एक प्रसन्नचित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं अनदर वर्ड कि किस तरीके से एक प्रसन्नचित व्यक्ति का जीवन यापन होता है, या कैसे एक प्रसन्न रहा जा सकता है, इसके बारे में सर हेनरी ओटन ने बताया है। He says that how happy is he born or that। वो कहते हैं कि how happy is he born, वह व्यक्ति जो जन्म लेकर के or that या शिक्षा प्राप्त करके, वह व्यक्ति जन्म लेकर के या शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रसन्न होगा। how happy, कितना प्रसन्न होगा वह व्यक्ति जो जन्म लेकर या शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जिसे दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करना पड़ता है। इसमें पोएट सर हेनरी ओटन कहते हैं कि वह व्यक्ति जन्म लेकर या शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रसन्नचित होगा, जिसे दूसरों के अनुसार, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट में विचार होता है, जिसका हुज आर्मर, जिसका सुरक्षा कवच, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच, जिसका सुरक्षा कवच या रक्षा कवच उसके ऑनेस्ट था ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं, जिसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही उसका सबसे बड़ा कौशल होता है। बच्चों, एक बार इसको हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में कोई असुविधा न हो, आप इसको आसानी से समझ सकें और आपको कहीं भी कठिनाई का अनुभव न हो, इसलिए हम इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बार, कवि जो है उस व्यक्ति के बारे में बात करता है, वह कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बार, वह व्यक्ति जन्म लेकर के आर्ट या शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रसन्न होगा, जिसे दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जिसे दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सुरक्षा कवच ईमानदार, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही होते हैं, अर्थात ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही जिसका सबसे बड़ा कौशल होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। इसमें आगे पोएट कहता है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर आर प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। अगले स्टेंजा में पोएट कहता है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वह कहता है कि वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वह व्यक्ति जो प्रसन्नचित रहता है,
Here the poet describes about the qualities of a happy man. He says that कहता है पोएट की कुछ पैसेंस, कहता है कि वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो प्रसन्नचित व्यक्ति है, जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है, वह अपनी तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है. पैसेंस मीन्स तीव्र इच्छाएं. कुछ पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर. वह व्यक्ति, वह प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति अपने मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है. Whose soul is still prepared for death. उसकी आत्मा, प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति की जो आत्मा होती है वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि मृत्यु ही शाश्वत सत्य है. इसलिए वह इससे घबराता नहीं है. उसकी आत्मा still prepared for death, हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है. Untied unto the world with care. वह सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है. प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति जो होता है वह सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है. आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीद. उसके ऊपर राजाओं की कृपा या वल्गर किस होता है, सामान्य पीपुल, कॉमन पीपुल, सामान्य लोग. उसके ऊपर राजाओं के कृपा और सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. आइए बच्चों इसको पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं. हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर. वह प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं के तीव्र नियंत्रण में, अपनी तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है. Whose soul is still prepared. उसकी अंतरात्मा, उसकी आत्मा जो होती है वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है. Untied unto the world with care. वह सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है. आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीद. न ही उसे राजाओं की कृपा की आवश्यकता होती है और न ही उसे सामान्य लोगों द्वारा उनकी की गई आलोचनाओं का ही उस पर कोई प्रभाव पड़ता है. अब तीसरा स्टेंजा हम लोग देखते हैं बच्चों. तीसरे स्टेंजा में पोएट कहता है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री. हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री. Whose conscience is his strong retreat, whose strength can neither flatterers feel nor ruin make. Who has his life from humors free. प्रसन्नचित रहने वाला जो व्यक्ति है वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है. Whose conscience is his strong retreat. उसकी अंतरात्मा ही, उसकी अंतरात्मा ही उसका सुदृढ़ वक्षस्थल होती है. अंतरात्मा ही उसकी सुदृढ़ वक्षस्थल होती है. कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही, जो उसकी अंतरात्मा को स्वीकार होता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है और उस अफवाहों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तीसरी लाइन में Whose state can neither flatterers feel. उसके ऊपर state मतलब condition. यहाँ पर poet कहता है कि उसकी condition, उसकी दशा पर, उसकी अवस्था पर चापलूसी करने वाले व्यक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. flatterers में चापलूस होता है, जो व्यक्ति चापलूसी करते हैं. तो वह कहता है poet कि उसके ऊपर, प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति के ऊपर चापलूसी करने वाले व्यक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. नार रुई मेक प्रेजर्स ग्रेट. और इसमें कहता है पोएट और उसका विनाश अत्याचारी व्यक्तियों को महान नहीं बनाता है. अत्याचारी जो व्यक्ति होते हैं उनको महान नहीं बनाता है.
अर्थात प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति की जब भी मृत्यु होती है उससे अत्याचारी व्यक्तियों का कोई हित नहीं होता है। बच्चों एक बार एक साथ हम लोग तीनों स्टेंजा का पढ़ते हुए और एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जो भी आप लोगों के अंदर डाउट होगी वह क्लियर हो जाएगी। इसीलिए हम इसको पुनः स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ हैप्पी इज ही बार आर टा, वह व्यक्ति जन्म लेकर या शिक्षा प्राप्त करके कितना प्रसन्न होगा। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जिसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्यता ही जिसका सबसे बड़ा कौशल होता है। अब हम लोग दूसरे स्टेंजा में आते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, इसमें पोएट कहता है कि जो अपनी तीव्र इच्छाओं, जो व्यक्ति अपने मन की, यहाँ हियर द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिटी ऑफ हैप्पी पर्सन, वह प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति की विशेषताओं को बता रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वह जो है सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ नहीं रहता है, अर्थात जो भी सांसारिक बंधन है वह उसमें बंधा हुआ नहीं होता है। आ प्रिंसली लव आर वल्गर ग्रीड, उसके ऊपर राजाओं की कृपा या सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा स्टेंजा बच्चों देखते हैं। हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स, जो अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति, पोएट प्रसन्नचित व्यक्ति के विषय में बता रहा है, वह व्यक्ति अपने जीवन को फ्री फ्रॉम रूमर्स फ्री, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी अंतरात्मा ही उसका सुदृढ़ वक्षस्थल होती है, अर्थात वह अपनी अंतरात्मा के आवाज के, अंतरात्मा के अनुसार ही आचरण करता है। हुज स्टेप कैन नाइदर फ्लैटर थ्री, उसके ऊपर, अभी मैंने बताया स्टेप का अर्थ होता है कंडीशन, उसके ऊपर चापलूसी करने वाले व्यक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ना रूइन मेक अ प्रेजर्स ग्रेट, और उसका विनाश, अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति का उसका विनाश जो है अत्याचारी व्यक्ति को, जो एविल पर्सन है, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको कभी भी महान नहीं बनाती। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इसमें कहीं त्रुटि समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना कमेंट हमें अवश्य भेजिए, जिसमें हम उसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।